तेजस्वी जी, अगर अब चुनाव होते हैं लोकसभा के, जो आपने महागठबंधन पहले ट्राई किया बिहार में, इस बार भी आपकी पार्टियों से, बाकी अलग अलग पार्टियों से बातचीत हो गई है, चल रही है कि इस बार भी महागठबंधन होगा बिहार में? देखिए, अभी हमारा कांग्रेस से गठबंधन है, जीतन राम मांझी जी हैं, और हमारे चाचा को छोड़ करके और कोई आना चाहे तो हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, उनका स्वागत भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे चाचा अगर प्रयास करें दोबारा आने का, तो हमें नहीं लगता कि उनको आने देना चाहिए। हालांकि निर्णय पार्टी का है, लेकिन हम इसके विरोध में नहीं हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके चाचा मतलब नीतीश जी वापस आना चाह रहे हैं आपके साथ, लगता है आपको ऐसा? अब उनको एक साल बाद नोटबंदी जो है खराब लग रहा है, अब उनको समझ में आ रहा है कि पेट्रोल डीजल का जो हाई प्राइस हो गया उससे देश का नुकसान हो रहा है। यही हमारे चाचा कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। यही हमारे चाचा कहते थे कि संघ मुक्त भारत बनाएंगे लेकिन अब संघ युक्त बिहार करने चले। तो उनके कथनी और करनी में भारी अंतर है। पर अगर आ भी जाएं जी, अगर हम ले भी लेते हैं उनको अपने गठबंधन में, जो कि वो छोड़ करके गए थे, तो इसकी क्या गारंटी है या हमको कौन गारंटी देगा कि यहाँ आकर के सीटें जीत करके फिर दोबारा ना पलटी मार जाए, फिर बीजेपी में चले जाए? आपके बारे में आजकल ये भी सुन रहे हैं कि आपके अपने परिवार में कुछ मतभेद हो गए हैं, अपने भाई से आपके मतभेद हो गए हैं, और मैं पढ़ता रहता हूँ अलग अलग अखबारों में। अब आप हमारे साथ बैठे हैं तो सीधे ही मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ऐसा होता है जब राजनीतिक परिवार बड़े होते हैं, विस्तार होता है, तो मतभेद भी होते हैं। तो कोई मतभेद है आपका अपने भाई से, कोई नई बात परिवार से? कोई नई बात ही नहीं है। पहले होता था कि कौन डिप्टी सीएम बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये पुरानी बातें हैं। और जिन जिन लोगों को जो बात ये करते हैं, जो लिखते हैं, और जिनको मानसिक संतुष्टि मिलती है अगर इस बात से, तो उनको लेने दीजिए। हमें क्या लेना देना है, उनको मानसिक संतुष्टि लेने दीजिए। और जहाँ तक हमारे भाई की बात है, उन्होंने कई बार कहा है कि मेरा अर्जुन है, बात ही खत्म हो गया। कल को कौन लिखे पढ़े इसमें हम क्यों फंसे, हमको अपना काम करना है, हम अपना काम करते रहेंगे। और जहाँ तक परिवार की बात है, परिवार में आज तक कभी भी ऐसी कोई बात नहीं थी, ना है और ना रहेगी। और असल में वो क्या रहा है कि इतना सास बहु सीरियल आने लगा है कि न्यूज़ वाले भी वो दिखाने लगे हैं, तो वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल परिवारों में भी इस तरह का न्यूज़ बनता रहे। तो अगर उनका टीआरपी भी इससे बढ़ता है और बिजनेस चलता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए। आपके पास कोई कैलकुलेशन है लोकसभा चुनाव के लिए जो आज दे सके? देखिए, हम बिहार के बारे में बोलेंगे कि डीएनए बदलता रहता है, और अभी जो भाषा हमारे चाचा की हो सकता है फिर बदल जाए, लेकिन यहाँ तो दरवाज़ा बंद है। देखिए, भारत जो देश है, अलग अलग राज्य, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग पहनावा, अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियाँ, फिर भी हम लोग एक हैं, और यही हमारी भारत की खूबसूरती है, पहचान है, और हम चाहते हैं इस पहचान को बरकरार रखा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नागपुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं। अगर वो प्रयास कर रहे हैं, तो हर एक हिंदुस्तानी का कर्तव्य होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, कि ऐसे लोगों के खिलाफ वो लड़े, अपने देश के इतिहास को बचाए, अपने संस्कृति को बचाए, अपने पहचान को बचाने के लिए वो आदमी खड़ा रहे।